महिलाओं के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करने की वजह से ट्रंप की हर तरफ आलोचना हो रही है। विवादित वीडियो आने के बाद से ट्रंप अपनी डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी हिलेरी से और पीछे हो गए हैं। इसे देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप अब नया दांव खेलने वाले हैं। ट्रंप आतंकवाद के हिंदू पीड़ितों के लिए न्यूजर्सी में आयोजित एक चैरिटी समारोह में भारतीय अमेरिकियों को संबोधित करेंगे। इस समारोह को रिपब्लिकन हिंदू कोलिशन यानी RHC आयोजित करेगा। RHC के संस्थापक एवं अध्यक्ष शलभ शाली कुमार ने कहा, ये इतिहास बन रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी उम्मीदवार ने किसी हिंदू समारोह में शिरकत की हो। कुमार ने बताया कि कश्मीरी एवं हिंदू शरणार्थियों की मदद के लिए इस कंसर्ट में बॉलीवुड, टॉलीवुड, पंजाबी रंगारंग कार्यक्रम आयोजित होंगे। ट्रंप ने समारोह में शामिल होने की पुष्टि करते हुए पिछले महीने एक लघु वीडियो संदेश में कहा था कि हिंदू समुदाय ने विश्व की सभ्यता एवं अमेरिकी संस्कृति में शानदार योगदान दिया है। Hello everyone. It is my pleasure to invite you to the Republican Hindu Coalition rally at the PNC Art Center in New Jersey. I'm very much looking forward to speaking to thousands of Indian Americans and others about making America great again. I look forward to seeing everybody there. It will be an incredible evening. Kumar ne kaha, video par diye gaye apne bayan mein Trump ne Hinduon evam Bharatiyon ke bare mein shandar bayan diye. उन्होंने भारत और भारतीय अमेरिकियों एवं हिंदू अमेरिकियों के साथ मित्रता के लिए बहुत प्रयास किए हैं।